तो अभी तक मैंने 20 किलोमीटर कवर कर लिया है और मुझे अभी और 30 किलोमीटर कवर करना है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरर फेज। तो अभी सुबह के बजे हैं 5 और हम लोग निकल चुके हैं शॉर्ट राइड पर। तो अभी लोग निकल रहे हैं सुबह के मॉर्निंग वॉक के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, और मैं निकल रहा हूँ एक शॉर्ट राइड के लिए। तो गाइस मैं जा रहा हूँ तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया जा रहा हूँ। तो डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। तो मैं 50 किलोमीटर कवर करने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ इस राइड में। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे दोनों तरफ टी गार्डन्स दिख रहे हैं। गाइस ये जो मैं जिस रोड से भी जा रहा हूँ ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया बाईपास है। और अभी तो सुबह के बजे हैं 5 और देखिए नज़ारे, देखिए नज़ारे टी गार्डन्स के दोनों तरफ। काफ़ी खूबसूरत रोड है यहाँ के। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ का हूँ। मैं रहने वाला हूँ आसाम के डिब्रूगढ़ का। और जिनको नहीं पता डिब्रूगढ़ किस लिए फेमस है, डिब्रूगढ़ ये टी गार्डन्स के लिए फेमस है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो ये खराब रोड आ चुका है, चलो नया रोड है, फिर भी इस तरह का हालत है अभी। काफ़ी शांति है, ये रोड खाली खाली क्योंकि सुबह का टाइम है। और ये बाईपास है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसका इनॉग्रेशन किया हुआ। तो इसी के साथ एक और पैरेलल रोड चलता है जो कि पुराना एटी रोड है। और देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं नदवा साइडिंग। तो अभी तक हमने 20 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी और 30 किलोमीटर कवर करना है। तो मैं ऐसे ही निकल चुका हूँ शॉर्ट राइड के लिए। वैसे कोई प्लान नहीं था, मैं सुबह जल्दी उठ गया फिर सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं। तो दो दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया तो इसलिए आज मैं निकल चुका हूँ ब्लॉग के लिए। तो आप लोग को भी घुमाते हैं, दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारे। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। तो अभी तक मैंने 20 किलोमीटर कवर कर लिया है और मुझे अभी और 30 किलोमीटर कवर करना है। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंड है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा हल्का सा ठंड है। और मज़ा भी आ रहा है राइड करने में। ओके, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं जिस कैमरा से मोटो व्लॉग कर रहा हूँ वो कोई एक्शन कैमरा नहीं है। मैं अपने मोबाइल से ही मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। अगर किसी को ये सेटअप देखना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस सेटअप को भी देख सकते हो। होप आपको यहाँ का ये वीडियो का क्वालिटी अच्छा लग रहा होगा।
ये रोड काफ़ी नया है और ये रोड बनने के बाद यहाँ में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुए है। ये पहले सिर्फ एक सिटी गार्डन्स और खेती करने लायक ज़मीन थे, तो यहाँ पर जब से रोड बना है तब से यहाँ के कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। यहाँ पे कहीं कहीं पर ढाबे खुल चुके हैं, कहीं पर पेट्रोल पंप, कहीं पर दुकान, बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है और लोग भी मुझे काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं कि मोबाइल लिए हेलमेट पे लगा के रखा है, क्या कर रहे हैं। चलिए फिर आगे मिलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन के, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरा चैनल नया नया है, इसलिए मैं अपने वीडियोस को शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। काफ़ी खाली खाली रोड है यहाँ के, क्योंकि अभी सुबह के टाइम है, सुबह के टाइम पर कोई निकलता भी नहीं है और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सुबह काफ़ी जल्दी हो जाता है। यहाँ देखिए लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ के लोग, साइकिलिंग भी कर रहे हैं लोग। ये देखिए, और अभी खेती का मौसम है यहाँ, तो हर कोई सुबह को यहाँ निकल गए हैं अपने अपने खेत पर खेती करने के लिए। तो यहाँ सुबह 5 बजे से 2 बजे तक दोपहर के यहाँ पर सब खुला है, फिर 2 बजे के बाद यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लग जाता है क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस का सिचुएशन काफ़ी ख़राब तो नहीं बोल सकते पर है, अच्छे खासे हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो मैं अभी क्रॉस कर चुका हूँ पानीतुला, तो यहाँ से अप्रोक्स 7 या 6 किलोमीटर है तिनसुकिया। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, मैं वहाँ पर ओके, मैं आपको वहाँ पहुँचकर फिर वीडियो कॉल कर ओके, तो मैं वहाँ पहुँचकर आपसे बात करता हूँ, फिर वीडियो को वहीं पर एंड कर देंगे हम, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो ये मेरा पहला मोटो व्लॉग था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।